अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून नाज़रीन, क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये आखिरी का रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रच के इबादत हो रही होगी और बहुत अल्लाह से दुआएं मांग रहे होंगे कि अल्लाह ताला बस हम गुनहगारों की मगफरत फरमा दें। चूँकि मगफरत का अशरबी है और हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, बिकॉज़ अब तो फिर रमज़ान जा रहा है, बिल्कुल मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह चला जाता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। इस साल तो पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसा रमज़ान गुजरा है, समझ से बाहर है मेरे। हालांकि हर साल माशाल्लाह मेरे पास दो दो तीन तीन शोज़ होते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि हाँ रमज़ान है, आज एक रोज़ हुआ, दो हुआ, लेकिन इस साल तो पता ही नहीं चल रहा है रमज़ान कहाँ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है, थोड़ी गर्मी ज़रूर हो गई है कराची में, अच्छी खासी हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं पता चलता बिकॉज़ हम सारा वक्त एसी में। दूसरे किचन में जाती हूँ इम्तियाज़ करने, वहाँ तो फुल ब्लास्ट एसी चल रहा होता है, गाड़ी में एसी चल रहा होता है। हाँ, घर पे मैं नहीं यूज़ करती एसी, ज़ाहरी बात है इतना बिल कौन देगा। तो लेकिन फिर भी घर मेरा अल्लाह का शुक्र है ठंडा है और पंखे में अच्छी खासी हवा होती है, तो और कुछ काम नहीं करना पड़ता यहाँ से जाने के बाद, तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा, अल्लाह का बहुत करम है। आज जुमा है और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, पहले दरूद शरीफ पढ़िए फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या कयूम, या जो जलाने वाले इकराम, या रहम रहीमीन, या रहम रहीमीन, या समीउ दुआ। या अल्लाह, हम आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, मगफरत का अशरा है या अल्लाह, रमज़ान जा रहा है या अल्लाह, रमज़ान जा रहा है, हमने जो भी टूटी फूटी इबादत की है पाक परवरदिगार, उसको आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीले से उसको हमारे लिए कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। जो दुआएं हमने मांगी अल्लाह उसको कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी मगफरत फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकौड़ों से हमें बचा कर रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त हमें साबित कदमी रखना, आखरत पे अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें गीबत से बचाना, हमें हसद से बचाना, हमें झूठ से बचाना अल्लाह। या रहमान रहीम, हम बहुत गुनाहगार हैं या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अगर आपने गुनाहों को माफ़ नहीं किया तो हम किसके दर पे जाएंगे अल्लाह, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह, हमारी इज्जत रखना या अल्लाह, वहाँ पे क़यामत वाले दिन हमें रुस्वा न करना या अल्लाह, किसी के सामने रुस्वाई न करना हमारी मेरे अल्लाह। या अल्लाह, जो जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जो बे औलाद हैं उनको नेक और सवारे बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए, और जो बेरोज़गार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दीजिए। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए, उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह, या रहमान रहीमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे फ़लस्तीन के बहन भाइयों के ऊपर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा दीजिए अल्लाह, उन पर करम और रहम फरमा दीजिए। हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर अपना रहम और करम फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमें पंच वक्त नमाजी मिला दे, वक्त पर नमाज अदा करने की, कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज्जत की, आबरू की, औलादों की, औलादों के औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, बहुओं की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, हम आपके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं या अल्लाह, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है, किसी किस्म की आजमाइश में डालना ना डालना, हॉस्पिटल ले जा के मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना। या अल्लाह, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, कैंसर से, हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से, स्ट्रोक से,
ब्रेन ट्यूमर से या अल्लाह, जितनी बड़ी छोटी बीमारियां हैं अल्लाह, उन सब से हमें बचा के रखना। या अल्लाह पाक, हमारी आँखों की रोशनी को हमेशा सलामत रखना। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे पाक परवरदिगार। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। और आज की हमारी रेसिपी ये है कि हम बना रहे हैं पुरानी दिल्ली की गोश्त की बिरयानी। ठीक है, एक ये बनेगी और बनेगा वर्मसली एंड कोकोनट पुडिंग। आई लव कोकोनट, आई लव कोकोनट, आई लव सेवैयाँ। तो उसका मीठा बनेगा, तो आप भी मेरे साथ बनाइए। सागुदाना चाहिए, थोड़ा सा भिगा लीजिए, और फ्रेश कोकोनट जो बाज़ार में कोकोनट मिलते हैं उसको कद्दूकस करके उससे बनेगा। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और आते ही हम बिरयानी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मटन की बिरयानी है तो इसको हमें करना है प्रेशर कुकर में। स्टे विद अस। पुरानी दिल्ली की गोश्त की बिरयानी। अच्छा, मटन आधा किलो, प्याज क्वार्टर दो अदद, लहसुन का पेस्ट दो चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च दो चाय के चमचे, साबित गर्म मसाला एक खाने का चमचा, दही एक कप, केवड़ा वाटर एक चाय का चमचा, पीला रंग एक चुटकी, नमक ढाई चाय के चमचे, तेल आधा कप, भीगे और उबले चावल आधा किलो, अदरक जुलियन एक खाने का चमचा, हरी मिर्च छः अदद। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान, और हम बना रहे हैं पुरानी दिल्ली की बिरयानी। सब में पहले हमें गोश्त को चढ़ाना है। हम लेंगे तेल, ऑयल लेंगे हम हाफ कप, और इसमें मैं शामिल करूंगी मटन, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है हाफ के जी से, ये डाल दिया है। अच्छा, इसमें हमें दो प्याज डालनी है, लेकिन किस शक्ल में डालनी है? ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नहीं ओनली गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें 2 टी। मुझे चिकन जे खुद को, आई लव मटन बिरयानी इंस्टेड ऑफ चिकन। अच्छा, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्रेशर कुकर में घर में बनाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आप आम पतीली में बनाइए। अच्छा, अब मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, और इसमें नमक जाएगा 2.5 लिखा है लेकिन मैं 2.5 नहीं डालूँ। ठीक है, मैं 2 ही डालू। ठीक है, आधा कप तेल लिया, तेल में मैंने शामिल कर दिया मटर। ठीक है, और मटन के साथ मैंने इसमें डाल दिया 2 प्याज, जिसके हमने 1 प्याज के 4 टुकड़े कर दिए थे, वो 2 प्याज शामिल कर दिए, लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, 2 चाय के चम्मच नमक और 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, फिर इसमें मैं 1 से 1.5 कप पानी डाल के और इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए, और हम आ जाएंगे अपनी खीर पे। ठीक है, ये हमने इसको कम से कम 20 मिनट पकाना है, जब तक कि गोश्त गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा, तकरीबन हाफ हो जाएगा, हाफ से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दही लेंगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगी जब करूँगी। दही में मैं अदरक डालूंगी, हरी मिर्चें चॉप डालूंगी, उसके बाद में थोड़ा सा जर्दे का कलर जाएगा, ये सब डाल के फिर गोश्त के ऊपर मुझे ये दही वाला मिक्सचर डालना है, और दही वाले मिक्सचर के ऊपर हम चावल डालेंगे। आप देखिएगा, बहुत डिफरेंट बिरयानी है ये। ठीक है, ओके, अब हम आ रहे हैं आज की दूसरी रेसिपी, वर्मसली एंड कोकोनट
पुडिंग। इसके लिए हमें सेवइयाँ चाहिए 1 कप, इसके लिए हमें साबुदाना चाहिए 3 टेबलस्पून, अच्छा हम सेवइयाँ की जो पुडिंग बना रहे हैं इसको हम बना रहे हैं हम सबका जो फेवरेट टेट्रा पैक दूध है वो है ऑलपस। इसमें हम सारी चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं इलायची 3 छोटी इलायची, ये डाल रहे हैं हम दालचीनी का 1 टुकड़ा बहुत छोटा सा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा मुबारक आपा। हेलो आपा, आपको जुमा मुबारक बहुत बहुत। खैर मुबारक बेटा। और आपा माशाल्लाह बिरयानी जो आप बना रही है ना, तो बिरयानी के हवाले से मैंने आपसे एक तो आपके सवाल का जवाब देना था पहले। बिरयानी में जो आपका सेला चावल है और सुपर कर्नल जो है ना, ये बेस्ट रहते हैं। एक और आप बोल रहे हो? एक और आपा भूल रहा हूँ। हाँ बासमती भी आपा। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा आपा, ये सवालों के जवाब तो हम मतलब आपने वो बना ही दिया, लेकिन ये है कि आपका थैंकफुल इसलिए मैं करने की कोशिश कर रहा था, कॉल मैंने इसलिए की है कि आप लोग मतलब कराची वाली बिरयानी जो है ना, और हलीम और शामी कबाब, ये आपा कराची वाले ही बना सकते हैं, लेकिन आप मसाला के थ्रू माशाल्लाह से अब हम अपने घर में भी ऐसे ही कबाब, जैसे आपने मुझे बोटियों वाले कबाब बताए हुए हैं कि बोटियों से बनाए शामी कबाब और बिरयानी और हलीम, आपा ये बिल्कुल कराची स्टाइल की अब आप घर पे हम आराम से मैं बना लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा माशाल्लाह से मतलब जितने भी आपके शेफ हैं एक से बढ़कर एक सबने सिखाए हैं, और आपा इतना ज्यादा हम लोगों को मतलब आपने कर दिया है, ट्रेन कर दिया है कि इंटरनेशनल खानों के इसके साथ साथ आपने जो लोकल खाने थे जो दूसरे शहरों के थे या जैसे इंडिया की रेसिपीज हैं, अभी हिमाली ने मुझे मैसेज करके भी कहा था कि आपा से कहिएगा कि जो इंडिया में उन्होंने रेसिपीज ट्राई की हैं वो सिखाएं। आपा माशाल्लाह से मतलब मैं आप लोगों का तहे दिल से, मैं रोजे से हूँ और मैं आप यकीन कीजिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना इस चैनल ने हमें इतना कॉम्पिटेंट बना दिया कि अब हमें बाहर जाने की तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन हम कहीं का भी दुनिया भर में से हम कहीं का भी खाना खाना चाहें तो मसाला चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सिखा देते हैं, और हम इतना उसको मतलब इतने कम पैसों में घर में बना लेते हैं, साफ सुथरा तेज सब। बिल्कुल। और ये बिरयानी ट्राई कीजिएगा, ये पुरानी दहली की बिरयानी है और बिल्कुल वैसे ही बनती है, जो लोग दहली में रहते होंगे वो खा के मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइए। जी ज़रूर आपा, मैं ईद पे इंशाल्लाह इसको ऐड करूँगा, और अल्लाह ताला आपको आपके चैनल को सबको इस माह मुबारक के सदके बहुत सारी कामयाबी। आमीन अल्लाह आमीन। जज़ाकअल्लाह बेटा, जीते रहिए, अभी खुश रहिए। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसमें क्या क्या डाला। दूध 1 लीटर, कौन सा ऑलपस, उसके बाद 3 छोटी इलायची तोड़ दी, एक मुन्ना सा पीस डाला दालचीनी का, उसके बाद मैंने 1 कप सेवइयाँ डाल दी, और मैंने 3 टेबलस्पून साबूदाना जिसको थोड़े से पानी में भिगोया था वो पानी के साथ ही डाल दिया, ठीक है ये मैंने डाल दिया है, और इसको अब मैं पका रही हूँ जब तक कि 10 मिनट ये गाढ़ा होगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, जब हम ब्रेक से आएंगे, तो ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ताज़ा नारियल, फ्रेश कोकोनट है, मैंने चॉपर में कर लिया, कल रात में ख़रीदा था और चॉपर में मैंने कर लिया था इसको, और उसमें मैं ये डालूँगी, बल्कि मैं अभी डाल ही रही हूँ ताकि जब तक आएँ तो ये आप लोग गाढ़ा हो जाए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वर्मासिली एंड कोकोनट पुडिंग अज्जा, दूध 1 लीटर, इलायची 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, रोज़ एसेंस आधा चाय का चमचा, सेवइयाँ 1 कप, सागू 3 खाने के चमचे, कद्दूकश नारियल 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम आधा पैकेट, बादाम पिस्ते 1/4 कप। जी जनाब, हमारा बेहतरीन सब पुडिंग रेडी हो चुका है, ये देखें क्या टाइम लगा, क्यों घबराते हैं हम लोग खाना पकाने से, पता नहीं घर पर तो खैर मैं भी घबराती हूँ, लेकिन क्यों ना आसान है खाना पकाना, देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी ये रेडी हो गई, ये देखें ये कंसिस्टेंसी है इसकी, इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया, इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क टू टेस्ट, ठीक है 1 टिन, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप कम डाल लीजिएगा,
इलायची पाउडर 1 टीस्पून, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब, मेरा अरके गुलाब है 1 टेबलस्पून, ये आप ईद पे बना सकते हैं ट्रॉली के लिए। अस्सलाम वालेकुम राजता। वालेकुम अस्सलाम, आप जानी कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे आपका मैसेज मिला था, आपने लिखा कि मुझे आपसे शिकायत है कि आप सबको बेटा कहती हैं, मुझे बेटा नहीं कहती हैं जी। ठीक है, मैं आज कहती हूँ आपको, आप भी मेरी बेटी हैं, ऐसी क्या बात है? नहीं, वो एक्चुअली मैंने हमेशा आपको, मैं बताया ना कि माँ का ही नाम दिया है, मैंने बताया था मेरी अम्मी नहीं है, तो मैंने बिल्कुल आपको माँ की नज़र में देखा और हमेशा आपसे ही सब कुछ सीखा मैंने। मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं, आप यकीन करें मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर मुझे किसी ने आपा कह दिया या बाजी कह दिया या मामा कह दिया या माँ कह दिया या नानो कह दिया मैं बुरा मानूंगी। मैं नहीं मानती बुरा, भाई जो आपको मर्जी, मैं आपकी हूँ, आपको जो कहना है कहें जी। जी हमें पता है कि, और आपकी वजह से ही तो बस हमें हिम्मत भी मिलती है और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, घरदारी भी सीख रहे हैं, ड्रेसिंग भी सीख रहे हैं और कुकिंग में तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आंख बंद करके भी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो माशाल्लाह पास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। बहुत शुक्रिया राजा साहब, इस्लामाबाद से बोल रही हैं। आज आपके लिए ख़ास सवाल है, आप बताएं मुझे कि बिरयानी बनाने के लिए कौन से चावल बेस्ट रहते हैं? आपा सेला है, सुपर बासमती है और सुपर वो क्या है दूसरी, तीसरे नंबर पे सुपर कनर। ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैंने वैसे पहले भी विन किया हुआ, मुझे अभी तक वो नहीं मिला। आप बता दीजिएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मिलता है, देर हो जाती है, इतना बड़ा चैनल है, इतने लाइव शोज हैं और ख़ास कर ठीक है, तो इंशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गया हमारा, इसका आप टेक्सचर देख लें और ये ठंडा होगा, प्लीज़ इसको चिल्ड सर्व कीजिएगा। और ये जो है ना इसकी साइड की मलाई, ये मत जाया कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं बनाऊंगी वाटरमेलन लेमनेड सिविया से। अच्छा इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, इसमें हम डालेंगे अदरक दही में, इसमें हम डालेंगे येलो कलर, जर्दे का कलर, इसमें हम डालेंगे केवड़ा 1 टीस्पून। अच्छा ब्रेक आ चुकी है, मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है, मैं इसको सब मिक्स करती हूँ और अगर गोश्त गल गया है तो गोश्त के ऊपर मैं ये दही और जर्दे का कलर, हरी मिर्च, अदरक, ये सब कुछ डाल के ऊपर डालेंगे इसके मटन के ऊपर और चावल डाल के दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पुरानी दिल्ली की गोश्त की बिरयानी, अज्जा, मटन आधा किलो, प्याज क्वार्टर 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, नमक 2.5 चाय के चमचे, तेल आधा कप, भीगे और उबले चावल आधा किलो, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद। वाटरमेलन लेमनेड, वाटरमेलन आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने ले लिया है, उसके बीन्स निकाल लें जितने हो सकते हैं, 2 कप वाटरमेलन, 2 to 3 टेबलस्पून लेमन जूस, आइस क्यूब्स,
सोना सा। क्वार्टर कप वाटर या क्वार्टर कप कोई सा भी ड्रिंक का, ये देखें, ये हम डालेंगे गोश्त के ऊपर, हरी मिर्च, अदरक, दही, पुदीना बहुत सारा, अच्छा ये बिरयानी 750 ग्राम मैंने गोश्त लिया था, 750 ग्राम मैंने चावल दिए हैं, और आज मैंने जो चावल दिए हैं वो सेला है, ठीक है, और ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा इसके। और आपने देखा ना, इसमें लाल प्याज है, ना इसमें गरम मसाला है, कुछ भी नहीं है, और इतने मज़े की ये बिरयानी बनेगी। सिर्फ ऊपर से मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल या घी आप डाल दीजिए, कहाँ जाता है 1 घंटा। चलें जी, अब इसको हम 5 मिनट तेज़ आंच पे रख दिया है मैंने, और फिर 5 मिनट के बाद बिल्कुल हल्की आंच करूँगी मैं इसकी और दम पे छोड़ूंगी। जब तक हम रिकैप से आते हैं, अगर आज की कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो मेरे समझाने में, तो आप आज का शो रात 7 से 8 रिपीट होता है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। पुरानी दिल्ली की गोश्त की बिरयानी अज्जा, मटन आधा किलो, प्याज क्वार्टर 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, नमक 2.5 चाय के चमचे, तेल आधा कप, भीगे और उबले चावल आधा किलो, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद। तरकीब, तेल गर्म करके मटन, प्याज, लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च और नमक डाल के 10 मिनट फ्राई करें। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करके 20 मिनट पकाएं कि मटन तैयार हो जाए और आधा कप ग्रेवी रह जाए। असेंबल के लिए दही को अदरक, जुलियन, हरी मिर्च और पीले रंग के साथ मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को मटन पर फैलाएं, मिक्स ना करें, दही पर उबले चावल फैला दें, केवड़ा वाटर 2 खाने के चमचे, घी और 1/4 कप पानी छिड़क कर ढकें और 20 मिनट दम पर पकने दें। अब इसे मिक्स करें, प्याज के लच्छे और पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर दें। वर्मासिली एंड कोकोनट पुडिंग अज्जा, दूध 1 लीटर, इलायची 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, रोज एसेंस 1/2 चाय का चमचा, सेवैयाँ 1 कप, सागू 3 खाने के चमचे, कद्दूकस नारियल 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम आधा पैकेट, बादाम पिस्ते 1/4 कप। तरकीब, एक पैन में तमाम अज्जा डाल के 10 मिनट उबालें कि वो गाढ़ा हो जाए, फिर 1 कप कद्दूकस नारियल शामिल करके चूल्हे से उतार लें। अब इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क, आधा पैकेट क्रीम और 1/4 कप बादाम और पिस्ते डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर मज़ीद बादाम पिस्ते और ड्राई रोज से गार्निश करके ठंडा सर्व कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन की छुट्टी के बाद अब परसों पीर वाले दिन लाइव मुलाकात होगी, और अभी तो खैर हम मिल रहे हैं 1/2 घंटे बाद इम्तियाज़ किचन सीज़न 2 में, और कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, लेकिन जो लाइव मुलाकात होगी ना आपकी परसों होगी इंशाल्लाह। आप लोग भी आराम कीजिए, और 21वीं शब है, इतवार को याद है ना, 21वीं शब है। मुझे एक चीज़ अगर सुलेमान 1 मिनट है तो दे दो मुझे, बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये 10 दिन आप रोज़ाना रात बेशक 10 रुपए सदका दे दें, एवरी नाइट, अगर वो रात शब कदर की हुई तो आपको 48 ईयर्स का सदका देने का सवाब मिलेगा। रोज़ रात 10 दिन तक, 21वीं शब से ईद तक, अगर आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी तो आपको 48 ईयर्स नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने 2 आखिरी में यह है कि अगर आपने कुल आपने अगर 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी 10 दिन इशा के बाद, तो आपको हर 10 दिन अगर वो शबे क़दर हुई तो आपको 48 ईयर्स कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। तो प्लीज़ मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिस तरह मैं आपके साथ सूरह काफ़ का शेयर करती आ रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट दिस। ये बिल्कुल जैसा है ऐसी रातें हैं कि हम इसमें खूब ज़्यादा कमा लेंगे, ठीक है। चलें जी, आज
add some masala to your life.